संगीत रागी जी, जब भी सनातन के विरोध का सवाल उठता है तो कहा जाता है कि जो जाति व्यवस्था है ये उसका विरोध है, सनातन का विरोध नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक आंकड़े देता हूँ, ये मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु की डीएम के सरकार ने पास फाइल किया है, एफिडेविट फाइल किया है। 1976 से करीब 44,000 मंदिर हैं, उन 44,000 मंदिरों में से 5,00,000 किलो सोना जो मंदिरों के भगवान को आभूषण के तौर पर दान वगैरह में दिया गया था वो डीएम की सरकार ने छीना है और छीन करके मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर गला करके उसको आरबीआई के साथ जमा किया, जिससे 11 करोड़ प्रतिवर्ष उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसका खर्चा जो है वो समाज कल्याण में लगाया जाता है। क्या यही काम वो वक्फ बोर्ड से करेंगे? क्या वो मंदिरों चर्च की ज़मीन को हथियाएंगे, चर्च के दान पर वो हाथ डालेंगे? ऐसा तो नहीं करते हैं। तो डीएम के एंटी हिंदू है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, डीएम के हिंदुओं को खात्मा करने के अभियान पर है। आज यदि आप ईस्ट कोस्ट रोड पर आप जाएंगे तो बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को जिस प्रकार से डीएम के ने शरण दे दिया है ये देखने लायक है। क्या डीएम के वहाँ पर इस्लामिक, यदि सनातन को ख़त्म कर देंगे तो क्या वहाँ इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं या क्रिश्चियन स्टेट लाना चाहते हैं? क्या यही कारण है कि राहुल गांधी जो है उनको समर्थन करते हैं? क्या यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देती है? मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात आप करते हैं और उसके साथ पूरा राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, कोई ट्वीट नहीं आता है उनका, तब ये माना जाता है मौनम स्वीकार लक्षणम। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका इमीडिएट राजनीति है, हमको भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से हराना है। और इसी वो, आपने याद होगा कि 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग ये करना चाहते थे, जिसका मूल मंत्र ये था कि 20% मुसलमानों को कंसोलिडेट करो और 80% जो हिंदू 76% है उनको जातियों के आधार पर बांटो। जातियों की राजनीति जो 80 के दशक में थी मंडल कमीशन के समय थी, उसने हिंदुत्व के प्रभाव को रोका था। नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात जो ये समीकरण है वो पिट गया। आपने देखा होगा कि बीएसपी और एसपी साथ खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई। एसपी और कांग्रेस पार्टी साथ एक साथ साइकिल पर हाथ दोनों आए, लेकिन दोनों पिट गए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के अंदर आप यदि देखेंगे कि नीतीश कुमार बेशक हैं, लेकिन 16 में से 14 ऐसी सीटें जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जीती वहां पर उसका 50% से ज़्यादा मत प्रतिशत आया है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी नहीं जीती है, बेसिकली लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कम से कम वोट किए हैं। जहाँ तक सामाजिक आंदोलन की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, ये कैसा सामाजिक न्याय है जो तीन दशक से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव रहे, नीतीश जी रहे, लेकिन आज भी वो पिछड़े, आप आज भी कहते हैं कि बिहार पिछड़ेपन के कगार पर है, बिहार पिछड़ा हुआ है, तो इसका ठेकरा किस पर जा रहा है? नहीं, मैं तो ये बताना चाहिए सर, वो नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी मैं जरूर कहता हूँ, मैंने, आपने बहुत अच्छा कहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी कोसता हूँ इस मुद्दे पर कि उन्होंने अपनी राजनीति छोड़ करके नीतीश जी का साथ दिया, उनको नहीं देना चाहिए था। एक जो टर्म था उस तरह नीतीश जी हैं जो है वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बाद जो है वो डेवलपमेंट की राजनीति बंद करके वो अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए वो 70 और 80 की राजनीति पर फिर से डिविजिव राजनीति पर चले आए। आज बिहार की हेल्थ स्थिति जो देखिए, आज बिहार के एजुकेशन व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, स्कूलों की हालत चरमरा गई है, वहाँ की हेल्थ व्यवस्था इतना चरमरा गया है। और जहाँ तक ओबीसी जो कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी में कितने लोगों को कौन सा आया है, इसका कौन सा आकलन है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।